हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है और हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताऊंगी, डिफरेंशिएशन बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो सुनने में ये माइटोसिस और मेयोसिस काफ़ी ज़्यादा एक जैसा लग रहा है, बट दो तरीके का अलग अलग चीज़ होता है। एक माइटोसिस और दूसरा है हमारा मेयोसिस। तो इसके डिफरेंशिएशन बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और आपके 11th वाले एग्जामिनेशन में हर साल आते ही आते हैं। और ये चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा जब आपको पढ़ना होगा तो। और अगर आपने नहीं पता पढ़ा है डिफरेंशिएशन, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग डिवाइड करके लिखा है। एक जगह पे मैंने माइटोसिस लिखा है, दूसरे जगह पे मैंने लिखा है मेयोसिस। एग्जामिनेशन में भी आपको इसी तरीके से फॉर्म में लिखना है, ये नहीं कि ऊपर मैंने माइटोसिस का लिख दिया, फिर मैंने नीचे मेयोसिस का लिख दिया, फिर माइटोसिस, फिर मेयोसिस। ये गलत पैटर्न है और एग्जामिनेशन में आपका कट हो जाएगा नंबर। तो बिल्कुल इसी तरीके से लाइन डिवाइड करके लिखिएगा, एक तरफ माइटोसिस, दूसरी तरफ मेयोसिस। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन बोलना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द सेल डिवाइड्स इन टू प्रोड्यूसिंग अ रेप्लिका विथ एन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ईच रिजल्टिंग डाइप्लॉइड सेल। माइटोसिस क्या होता है, हमने माइटोसिस क्या जाना है सेल साइकिल पढ़ करके। सेल साइकिल जब हम चैप्टर पढ़े हैं और हम जाने हैं कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस एक प्रोसेस होता है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, जिसमें कि सेल जो होता है वो डिवाइड होता है टू प्रोड्यूसिंग रेप्लिका से विथ एन इक्वल नंबर। एकदम इक्वली रहेगा, ये नहीं कि मतलब एक है, दो है, चार है, एकदम इक्वल नंबर में रहेगा। और ये डाइप्लॉइड सेल रिजल्ट ले लेता है। ठीक है, पहले मैं माइटोसिस का अच्छे से पूरा क्लियरली बता देती हूँ, 5 पॉइंट, फिर मैं मेयोसिस का बोलूँगी। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है, लास्ट में जो सेक्शन डी रहता है ना, तो उसमें ये 5 नंबर का पूछा ही जाता है, आपके 11th वाले में भी, और ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, मदर सेल कैन बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। मदर सेल जो होता है होती है वो या तो हैप्लॉइड होगा या फिर डाइप्लॉइड होगा। ऐसा नहीं है कि मदर सेल जो है वो डाइप्लॉइड ही हो सकता है, डाइप्लॉइड ही होगा, नहीं, इसमें चांसेस हो सकता है हैप्लॉइड का भी और डाइप्लॉइड का भी। तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है, ये आपसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। थर्ड पॉइंट है, क्रोमोजोम नंबर रिमेन द सेम। इसमें जो क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो सेम होता है, तो लिखेंगे क्रोमोजोम नंबर रिमेन द सेम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। ये कहाँ पे माइटोसिस कहाँ पे प्लेस करता है, इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। कहाँ पे, सोमैटिक सेल में। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट है, कार्योकाइनेसिस अकर इन इंटरफेज। इसका पता आपको पता होगा है कि मेयोसिस का कितना फेज होता है। मेयोसिस का बहुत सारा फेज होता है, मेयोसिस 1, मेयोसिस 2, फिर सिग्निफिकेंट ऑफ मेयोसिस आपको पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि कार्योकाइनेसिस जो होता है वो अकर होता है इंटरफेज में। क्लियर है। अब मैं इसका मेयोसिस का बताना स्टार्ट करती हूँ। तो मेयोसिस क्या है, मेयोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल्युलर रिप्रोडक्शन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर रिड्यूस्ड बाय हाफ थ्रू द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स प्रोड्यूसिंग 2 हैप्लॉइड सेल्स। मतलब अगर आप लोग पॉज करके इसका डिफरेंशिएशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेयोसिस क्या होता है। मेयोसिस एक टाइप का सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चलिए ठीक है। जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जैसे कि क्रोमोजोम नंबर कितना रहता है इसमें आप लोगों को पता है, तो क्रोमोजोम नंबर जितना रहेगा ना उतना ही रहेगा। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर जितना है उतना ही रहेगा। किस में, माइटोसिस में। मेयोसिस में क्या होगा, इन विच विद द क्रोम नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर रिड्यूस बाय हाफ। जैसे कि 4 रहना चाहिए मेयोसिस में, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, 4 रहना चाहिए और उसमें 4 का आधा होता है 2, तो यहाँ पे मेयोसिस में 2 हो जाएगा।
ठीक है, कैसे होगा, सेपरेट कर जाता है, इसमें सेपरेशन होता है थ्रू द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम प्रोड्यूसिंग टू हैप्लॉइड सेल. इसमें जब टू हैप्लॉइड सेल है तो जब टू आ गया तो डिवाइड हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है. तो जब भी आपको पता होगा कैसे कि हम लोग को 8 को डिवाइड करना होता है टू, तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा टू से ही करते हैं. तो इसमें जब टू हैप्लॉइड सेल्स आ रहा है तो वो डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए इसका नंबर हाफ हो जाता है क्रोमोजोम का. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, फोर हैप्लॉइड मदर सेल्स. हमने क्या पढ़ा था माइटोसिस में कि मदर सेल कैन बी हैप्लॉइड और डायप्लॉइड, ठीक है. लेकिन मायोसिस जो होता है, मायोसिस में मदर सेल क्या होता है, मदर सेल चार होता है, फोर हैप्लॉइड. मेयोसिस माइटोसिस में क्लियर नहीं होता है कि हैप्लॉइड होगा या डायप्लॉइड होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. लेकिन मेयोसिस में ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहता है कि फोर हैप्लॉइड मदर सेल होता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट, क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस बाय हाफ. यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोसिस में यहाँ पे लिखा है क्रोमोजोम नंबर रिमेन द सेम, बट ठीक है ये बिल्कुल सही है, बट इन मेयोसिस क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस बाय हाफ. आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही समझाया मेयोसिस के, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. चलिए ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन जर्म सेल. कहाँ टेक्स प्लेस करता है, इन जर्म सेल. फिफ्थ पॉइंट, कार्योकाइनेसिस अकर इन इंटरफेस. ठीक है, कार्योकाइनेसिस कहाँ टेक्स प्लेस करता है, इंटरफेस वन में. तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए. और अगर आपको कोई सा भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगी ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर कर पाएँ. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेल, यू स्कोर वेल. थैंक यू.